फिर से स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट लीक्स, रूमर्स, अपकमिंग स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही गाइस यार कमेंट भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक कमेंट से दोस्तों हमें ये पता चलता है गाइस कि हमें अपने चैनल के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। सो दोस्तों आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं यहाँ पर सैमसंग से गाइस। और सैमसंग ने गाइस यार फाइनली अभी इंडिया के अंदर अपना सैमसंग M42 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों सैमसंग की तरफ से अब बहुत जल्द आपको एक नया M सीरीज के अंदर 4G स्मार्टफोन भी देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M32। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है गाइस, ये स्मार्टफोन Geekbench वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जहाँ पर गाइस अगर हम लिस्टिंग की माने गाइस तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर, 6GB की रैम और साथ ही गाइस यार एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। गाइस यार ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन भी अब आपको बहुत जल्द ग्लोबली और इंडिया के अंदर अब देखने को मिलने वाला है। गाइस अब तक तो हमने बात की यहाँ पर सैमसंग की तरफ से कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन की, लेकिन गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बड़े लेवल यानी दोस्तों यार महंगे स्मार्टफोन की। गाइस यार सैमसंग भी दोस्तों बहुत जल्द अपने कुछ नए अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। और गाइस आपको कुछ नए तरीके के फोल्डेबल स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। और गाइस यार सैमसंग ने इस फोल्डेबल स्क्रीन को यहाँ पर ट्रेडमार्क भी कर लिया है। गाइस ऐसी उम्मीद दोस्तों कि यार ये जो स्क्रीन है गाइस, ये स्क्रीन आपको यार Z Fold 3 सीरीज के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi की। तो गाइस यार Xiaomi की तरफ से दोस्तों आए दिन यार यहाँ पर काफी सारी न्यूज यहाँ पर सामने आती जा रही है। तो गाइस अब यहाँ पर न्यूज आई दोस्तों कि Xiaomi बहुत जल्द अब एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाला है। जो गाइस यार ये स्मार्ट वॉच होने वाली है बच्चों के लिए, और जिसका नाम होगा गाइस यहाँ पर मी किड्स स्मार्ट वॉच। और गाइस ये जो वॉच है दोस्तों, ये ब्लूटूथ SRG सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुकी है, जिसका मतलब गाइस कि बहुत जल्द अब ये वॉच भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो गाइस एक बार फिर से बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग की गाइस। और सैमसंग की तरफ से गाइस बहुत जल्द सैमसंग गैलेक्सी S21 का जो फैन एडिशन है गाइस, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है, और जिसका गाइस यहाँ पर मॉनिटर स्पॉट कर लिया गया है सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मतलब वो गाइस कि ये जो स्मार्टफोन है यार, ये स्मार्टफोन आपको सैमसंग S21 FE के नाम से ही देखने को मिले। गाइस बहुत जल्द दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन भी अब आपको देखने को मिलने वाला है। गाइस बात करते हैं यहाँ पर हुआवे की दोस्तों। तो यार हुआवे दोस्तों बहुत जल्द अपनी P सीरीज का अगला स्मार्टफोन यानी दोस्तों हुआवे P50 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हुआवे P50 ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला गाइस यार, इसकी कुछ यहाँ पर इमेजेस सामने आ चुके हैं, जो कि गाइस आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से इमेज को देखेंगे गाइस, तो यार यहाँ पर आपको बैक में 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कैमरा स्पेसिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है, और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए भी यहाँ पर पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा। गाइस यार ये जो डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब आसूस की गाइस। तो आसूस की तरफ से दोस्तों बहुत जल्द Zenfone 8 सीरीज लॉन्च होने वाली है। पर गाइस आपको आसूस Zenfone 8 मिनी और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको आसूस Zenfone 8 फ्लिप भी स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पर गाइस बात करें अगर हम यहाँ पर मिनी और फ्लिप दोनों की गाइस, तो यार बात करें मिनी की गाइस, तो यहाँ पर आपको 3835 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही गाइस यार फ्लिप के अंदर आपको यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और गाइस दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको यार 5.92 inches की 120Hz की OLED पैनल देखने को मिलेगी, 888 Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर, साथ ही 64MP का प्राइमरी कैमरा, और जहाँ पर गाइस आपको IMX686 का सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में गाइस बात करें यहाँ पर रैम और स्टोरेज की दोस्तों, तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं गाइस यार, यहाँ पर आपको काफी अच्छी रैम और स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको रैम स्टोरेज और दोस्तों स्पेसिफिकेशन दोस्तों बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। आई होप कि यार हमें प्राइसिंग भी दोस्तों बहुत अच्छी देखने को मिल जाए। तो गाइस आपकी इसके बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। Honor भी दोस्तों बहुत जल्द अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर Honor Play 5। और गाइस ये स्मार्टफोन आपको देखने को कैसा मिलने वाला है गाइस, आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर Realme गाइस। तो यार Realme ने दोस्तों मलेशिया के अंदर अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है। जैसा गाइस मैंने आपको पहले बताया हुआ था दोस्तों कि Realme की तरफ से गाइस Realme Cobalt ब्लूटूथ स्पीकर, साथ ही गाइस Realme Watch 2 और इसी के साथ में गाइस यहाँ पर Realme Buds Q2। दोस्तों ये तीनों जो प्रोडक्ट गाइस ये मलेशिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों यार ये जो प्रोडक्ट्स गाइस ये आपको कैसे देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही गाइस यार इनकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर ट्रू कॉलर की गाइस। तो ट्रू कॉलर ने दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया गाइस। कॉलर ने दोस्तों अपनी एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट पेज पर गाइस यहाँ पर COVID-19 हेल्थ डायरेक्टरी को यहाँ पर ऐड कर दिया है। मतलब से गाइस आप अपने आसपास के जितने भी कोविड सेंटर हैं दोस्तों, उन्हें यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। अभी तक आपने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया गाइस, तो जरूर से इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। और साथ ही गाइस यार इस न्यूज़ के लिए जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों जिन्हें भी दोस्तों यार इसके बारे में नहीं पता है गाइस यार, उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए, और दोस्तों वो इजिली दोस्तों अपने आसपास के जितने भी कोविड सेंटर से गाइस यार उन्हें यहाँ पर इजिली ढूंढ सके।
उम्मीद है दोस्तों यार आप इस न्यूज के लिए जरूर से इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि दोस्तों ज्यादातर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। गाइस बात करते हैं यहाँ पर Redmi की दोस्तों। तो गाइस यार Redmi की तरफ से गाइस Redmi K40 गेमिंग इनहांस एडिशन दोस्तों। गाइस यार इस फोन ने दोस्तों अपनी फर्स्ट सेल के दौरान यहाँ पर 100,000 यूनिट को सोल्ड कर दिया, जिसका मतलब गाइस यार काफी धमाकेदार सेल हुई है। तो अगर हम बात करें गाइस यार इस स्मार्टफोन के इंडिया में आने की दोस्तों, तो गाइस यार डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये स्मार्टफोन यार इंडिया की PIS सर्टिफिकेशन पर अब सर्टिफाई हो चुका है। और साथ ही दोस्तों इतना ही नहीं गाइस, स्मार्टफोन आपको पोको की ब्रांडिंग के साथ में पोको F3 GT के नाम से इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi की दोस्तों। तो Xiaomi की तरफ से गाइस दो नए प्रोजेक्टर ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुके हैं, जिनका नाम है गाइस यहाँ पर MIGIA LED स्मार्ट प्रोजेक्टर 2 और साथ ही गाइस MIGIA LED स्मार्ट प्रोजेक्टर मिनी 2, जिसका मतलब होगा इसकी ये स्मार्ट प्रोजेक्टर भी दोस्तों बहुत जल्द ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, लेकिन गाइस उससे पहले गाइस अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, और आखिरी न्यूज यहाँ पर Redmi की तरफ से गाइस। Redmi की तरफ से गाइस Redmi Note 10S दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन होगा गाइस, और ये स्मार्टफोन आपको पोको की तरफ से गाइस पोको M3 5G नाम से इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है स्मार्टफोन का यहाँ पर एक डब्बा यानी दोस्तों इसका जो बॉक्स है दोस्तों वो लीक हो चुका है, जो कि दोस्तों काफी कलरफुल है। और इसके डब्बे पर दोस्तों आपको लगभग सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जा रही है। आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है गाइस कि यार इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। इतना नहीं दोस्तों यार इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर 15,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल सकता है। आज की टेक न्यूज यहीं पर एंड होती है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।